गिनती शुरू हो गई है। जो देश भर में सांसदों विधायकों ने वोट किया है और बीजेपी का दावा है कि 65% से ज्यादा वोटों के साथ द्रौपदी मुर्मू ही राष्ट्रपति चुनी जाएंगी। ये वोटों की गिनती की तस्वीरें आप देख रहे हैं। राष्ट्रपति चुनाव में वोटों की गिनती शुरू हो गई है। जैसे ही वोटों की गिनती होती है और जानकारी आती है, हम आपको बता दें, फिलहाल द्रौपदी मुर्मू एनडीए की उम्मीदवार, ओडिशा मयूरभंज के गांव से आने वाली एक महिला जिन्होंने ओडिशा में सक्रिय राजनीति में भूमिका निभाई, झारखंड में राज्यपाल रही, प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति वो देश की बन सकती हैं अगर आज आंकड़े उनकी तरफ हुए। वहीं दूसरी तरफ यशवंत सिन्हा, देश के पूर्व वित्त मंत्री, एक वक्त पर बीजेपी के दिग्गज नेता, टीएमसी में लेकिन वो चले गए, मोदी सरकार में मतभेद की वजह से उन्होंने ऐसी स्थिति बनी, बीजेपी से बाहर हुए, टीएमसी में शामिल हुए, और जो लामबंदी की ममता बैनर्जी ने, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने, उसकी वजह से विपक्ष के वो उम्मीदवार बने। लेकिन खेमा भी बदला, पलटे भी विपक्ष के कई लोग, क्योंकि यशवंत सिन्हा के नाम पर पहले तो सबने मुहर लगाई थी, लेकिन जो ही एनडीए ने द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया, उसके बाद से कई ऐसे दल हैं विपक्षी जो द्रौपदी मुर्मू का खुलकर साथ देने लगे। चाहे वो प्रकाश अंबेडकर हो, जिन्होंने कट्टर विरोधी हैं बीजेपी के, लेकिन खुलकर कहा कि यशवंत सिन्हा को अपना कैंडिडेचर, अपनी उम्मीदवारी वापस ले लेनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ शिवसेना खुलकर सामने आई, विपक्ष में वो है, लेकिन उन्होंने साफ कहा कि हम द्रौपदी मुर्मू के साथ खड़े रहेंगे। झारखंड चलिए, हेमंत सोरेन, क्योंकि वहां पर आदिवासी वोट बैंक भी बहुत ज्यादा है, उन्होंने कहा, एक आदिवासी महिला और वहां गवर्नर भी वो थी, उन्होंने कहा कि हम द्रौपदी मुर्मू का ही साथ देंगे। तो कई ऐसे विरोधी दल हैं जिन्होंने खुलकर साथ दिया द्रौपदी मुर्मू का, क्योंकि प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति वो देश की बन सकती हैं। इससे पहले राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल जरूर प्रथम महिला राष्ट्रपति थी, लेकिन प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बन सकती है।